वेजाइनल डिस्चार्ज एक ऐसी कंडीशन है जो कभी कभी हेल्दी को अनहेल्दी समझ के ट्रीट किया जाता है, और कभी कभी अनहेल्दी को आप शायनेस में डॉक्टर को बताते नहीं हैं और अनहेल्दी बहुत ज्यादा अनहेल्दी हो जाता है. सो हेयर आई एम डॉक्टर कंचन मलिक, वुमेन डिजीज स्पेशलिस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ मंगलम हॉस्पिटल मेरठ. मैं आज वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में बात कर रही हूँ. तो वेजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल क्या होता है और एबनॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, जैसे कि आपकी आंखों में टीयर्स होते हैं और माउथ में सलाइवा होता है वेट रखने के लिए, इसी तरह से वेजाइना में भी डिस्चार्ज होता है जो बिल्कुल नॉर्मल होता है. आप सोचिए, अगर आपकी आंख ड्राई होंगी तो आपको कैसा लगेगा, या आपका माउथ बिल्कुल ड्राई होगा तो कैसा लगेगा. इसी तरह से वेजाइना को भी वेट करने के लिए नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, जो कि यूट्रस, सर्विक्स और वजाइना की सेल्स होती हैं जो डिस्चार्ज को करती हैं. वजाइना में गुड बैक्टीरिया होते हैं जो बैड बैक्टीरिया को नहीं आने देते, और स्केवेंजर की तरह काम करते हैं, एक शार की तरह काम करते हैं, और बैड बैक्टीरिया जब भी एंटर होते हैं उनको वो किल कर देते हैं और जो डिस्चार्ज के रूप में बाहर आता है. तो सोचिए, एक वजाइनल डिस्चार्ज कितनी नॉर्मल चीज़ है और आपके वजाइना के हेल्थ के बारे में बताता है. आप खुद ही देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि आपके वजाइना की हेल्थ नॉर्मल है या नहीं है. नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी होती है, ये एक थिन डिस्चार्ज होता है और क्रीमी वाइट डिस्चार्ज होता है. इसमें कोई ओडर नहीं होता और कोई इससे ईचिंग नहीं होती. मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम पे जो टाइम होता है उसमें ये चेंज होता रहता है. जैसे प्री पीरियड्स में इसकी कंसिस्टेंसी पतली हो जाती है, इसी तरह से जब मिड साइकिल होता है, जब आपका ओव्यूलेशन हो रहा होता है, उस समय पे भी इसकी कंसिस्टेंसी थिन हो जाती है, एग वाइट की तरह, जो कि स्पर्म्स को स्विम करने में मदद करता है. और कई लेडीज तो अपना ओव्यूलेशन वेजाइना के डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी से ही पता लगा लेते हैं और उन दिनों को ओव्यूलेशन के दिनों में यूज करते हैं. किस समय पे आप बोलेंगे कि वेजाइनल डिस्चार्ज एबनॉर्मल है? तो वेजाइनल डिस्चार्ज अगर उस में ओडर आने लगे, या वो इच करने लगे, या वो कर्डी थिक ग्रीन या येलोइश डिस्चार्ज हो, तो ये एक एबनॉर्मल है और आपको डॉक्टर के पास जाना है. अगर डिस्चार्ज बहुत ज्यादा चीजी या थिक डिस्चार्ज होता है, जैसे फटा हुआ दूध होता है, तो ये ईस्ट को डिटेक्ट करता है और इसमें आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है. दूसरा डिस्चार्ज होता है जो कि फिशी डिस्चार्ज होता है, और ग्रीनिश डिस्चार्ज होता है जो कि बैक्टीरियल वेजिनोसिस में होता है, और इसमें भी आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है. तीसरा डिस्चार्ज होता है जो कि येलोइश फ्रोथी डिस्चार्ज होता है, जो ट्राइकोमोनासिस में होता है. तो ऐसे कंडीशंस में जिसमें आपको ग्रोइन रीजन में या वल्वल और वेजाइनल रीजन में ईचिंग हो रही है, या ओडर आ रहा है, या इस तरीके के ग्रीन वाइटिश या येलो डिस्चार्ज हो रहा है, उस कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है. प्लीज आप अपने आप कोई मेडिकेशन ना लें, इससे ये सारे इन्फेक्शंस क्रॉनिक हो जाते हैं और आप कभी भी ठीक नहीं हो पाते. ऑन एंड ऑफ आइसबर्ग की तरह ये इन्फेक्शन होते रहते हैं. चौथा डिस्चार्ज होता है जो कि ब्लड स्टेन डिस्चार्ज होता है. इसमें आपको बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ब्लड स्टेन डिस्चार्ज अधिकतर सर्विक्स से होते हैं या वेजाइना में कोई लीजन से होते हैं, जिससे कि आपको कभी कभी प्री कैंसरस कंडीशंस हो जाती हैं, उनमें ब्लड स्टेन डिस्चार्ज होता है. तो ऐसी कंडीशन में भी रश टू योर डॉक्टर इमीडिएटली. कभी कभी अगर आपको इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक हो गया और फिर थोड़े दिनों बाद डिस्चार्ज हो रहा है और बार बार आ रहा है, स्पेशली ईस्ट इन्फेक्शन, तो इसमें आपको अपनी शुगर टेस्ट कराने की जरूरत है, क्योंकि शुगर में ईस्ट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा कॉमन होता है. और आपको अपने पार्टनर को भी चेक कराना चाहिए, क्योंकि पार्टनर से भी इस तरीके के इन्फेक्शंस आ जाते हैं. तो वेजाइनल हेल्थ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वेजाइनल डिस्चार्ज ही आपकी वेजाइनल हेल्थ के बारे में आपको संकेत कर देता है कि कब आपका वेजाइना नॉर्मल है और कब आपका वेजाइना अनहेल्दी है और आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है. सो माय डियर लेडीज, वेजाइनल डिस्चार्ज इज नॉर्मल, डोंट गेट अफ्रेड ऑफ इट, एंड इफ इट इज अनहेल्दी यू हैव टू रश टू योर डॉक्टर. इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो. थैंक यू वेरी मच.